I am Rinku Sharma. I'm from Guwahati, Assam. This year I joined the All India Institute of Medical Sciences, Delhi. And I got 8th rank in AIMS, 131 in JIPMER and 204 in NEET. So basically what I want to share today is that how we can prepare without joining coaching institute, because मैंने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं की थी, पर फिर भी आज मैं एम्स में लकीली ज्वाइन कर चुका हूँ. और अब मुझे ये लगता है कि मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर खुद से प्रिपेयर करे तो एम्स ज्वाइन करना या फिर IIT ज्वाइन करना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है. तो जस्ट मैं अभी वही शेयर करना चाहता हूँ कि बिना कोचिंग के भी आप कैसे एम्स या फिर ऐसे नेशनल लेवल एग्जाम्स को कैसे क्रैक कर सकते हो. तो पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको बुक्स चूज करनी है. तो आप कौन सी अच्छी बुक चूज करो, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, आपको पता नहीं होता है कौन सा बुक चूज करना होता है. तो सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स की. तो फिजिक्स में आप, मैंने तो DC पांडे चूज की थी और मैंने उसी बुक को अच्छे से किया था. ऑलमोस्ट 80-90% तक मैंने उसी बुक को सॉल्व किया था. तो वो बहुत अच्छी बुक है, हेल्पफुल है. मैंने IIT JEE वाली बुक चूज की थी, DC पांडे की, पार्ट्स की सीरीज आती है DC पांडे की. तो वो सॉल्व करके मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था फिजिक्स में, और उसकी थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिस क्वेश्चंस सारे बहुत अच्छे लेवल के हैं, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है. केमिस्ट्री में अगर तीनों पार्ट का इंडिविजुअल डिस्कस करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए मैंने आज तक कोई दूसरी बुक देखी नहीं है, जस्ट NCERT. मतलब आई वॉज ऑलवेज कन्फाइंड टू NCERT, नेवर आई वेंट फॉर एनी अदर बुक, एनी अदर रेफरेंस मटेरियल. फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यार सबसे पहले तो NCERT जरूरी है. NCERT को आप 100% कम्प्लीट कर लो. उसके बाद अगर आपको टेक्स्ट पढ़नी है तो मैंने चित्तरंजन भक्ता की केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ की थी. आप कोई दूसरी बुक भी यूज़ कर सकते हो. और उसके बाद आप प्रैक्टिस के लिए हिमांशु पांडे बुक आती है, उसको देख सकते हो. मैंने उससे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस की थे. लास्ट में फिजिकल केमिस्ट्री है. तो आप फिजिकल केमिस्ट्री में इतना भी, मतलब जो मैंने देखा है नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, नीट हुआ, जिपमर हुआ, एम्स हुआ, तो इसमें फिजिकल से इतना ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आते. तो आप कोई भी नॉर्मल बुक उठा सकते हैं, AS सिंह हो गया, OP टंडन, कोई भी किताब से आप कर लो तो काफ़ी है वो. और बायो की बात करें तो बायो में सिर्फ NCERT है अभी के लिए. मतलब अगर आप फर्दर रीडिंग करोगे कोई कुछ चैप्टर्स में, जैसे हो गया ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो आपको बाद में हेल्प मिलेगी, लेकिन एंट्रेंस में कोई हेल्प नहीं मिलने वाला. मैं वो बता देना चाहता हूँ, जो NCERT को मास्टर करेगा वही एंट्रेंस में टॉप करेगा. ऐसा कोई नहीं है कि मतलब किसी ने ज़्यादा पढ़ लिया तो उसको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा तो आने वाला है नहीं. तो बस NCERT का हर डायग्राम और हर, जैसे हर चीज़ हुआ NCERT का, कुछ भी छोड़ना नहीं है, सब कुछ. मतलब NCERT का 11 और 12 लाइक इज लाइक बाइबल फॉर ऑल दोस एस्पिरेंट्स ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस. दूसरा ये मैं कहना चाहता हूँ कि आपको एक मेंटर रखना चाहिए. जैसे आप हुआ कि आपका कोई बड़े भैया है या फिर आपके स्टेज से कोई होगा, तो आप उनको अपना मेंटर बनाओ, उनसे रेगुलरली कॉन्टैक्ट में रहो, उनसे मोटिवेशन लेते रहो, क्योंकि मोटिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके इंटेलेक्ट के साथ. क्योंकि मोटिवेशन मिलते रहेगा, आप उनसे पूछो उन्होंने क्या गलतियाँ की थी, तो उनसे आप इन्फॉर्मेशन रेगुलरली कलेक्ट करते रहो, तब आपको और कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा और वो आपको मोटिवेट करते रहेंगे कि क्यों मेडिकल ज्वाइन करना है या फिर क्यों IIT ज्वाइन करनी है. उसके बाद आप गोल्स सेट कर सकते हो, जैसे वीकली गोल्स हुआ या फिर डेली गोल्स हुआ. ऐसा नहीं कि दिन में 10 घंटे 12 घंटे पढ़ने या फिर 14 घंटे पढ़ने. आप ऐसे गोल्स सेट कर लो, जैसे आज इस चैप्टर का ये टॉपिक पढ़ लेना है, या फिर इस वीक में मुझे ये दो चैप्टर कंप्लीट कर लेने, अच्छे से इसके सारे ऑब्जेक्टिव व्यूज सब देख लेने. तो ऐसे आप अगर गोल्स सेट करोगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी. तीसरा है कि चौथा हो गया आपका कि टेस्ट सीरीज. और टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है. मैंने तो मोस्ट ऑफ द क्रेडिट आई वुड लाइक टू गिव टू द टेस्ट सीरीज, बिकॉज ऑफ द टेस्ट सीरीज आई वॉज एबल टू गेट ऑल द नेशनल लेवल क्वेश्चंस. सो अगर आपको ऐसा कोई एग्जाम क्रैक करना है तो आपको वैसे क्वेश्चंस जानने होंगे, तो आप डेफिनेटली टेस्ट सीरीज प्रीफर कीजिए. और टेस्ट सीरीज में मैं कहना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑप्शन मिलेंगे आपको. टेस्ट सीरीज कैसे आप करना चाहोगे, तो रियली ऑफलाइन जो एग्जाम है वो आपको रियल टाइम एग्जाम सिमुलेशन देता है. लेकिन उससे भी अगर मुझे, जो मैं प्रीफर करूँगा, मैं तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज़्यादा प्रीफर करूँगा. क्योंकि अगर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपका कोई टाइम बाउंड नहीं है, जैसे आप कभी भी अगर टाइम निकाल के टेस्ट को अपेयर कर सकते हो. प्लस उसमें आपको डिटेल एनालिसिस मिलती है कि क्या आपने सही किया, क्या गलत किया. कोई अगर आपको अच्छा क्वेश्चन मिल गया तो आप उसको बुक मार्क कर दो. तो ऐसे आपको टेस्ट सीरीज बहुत ज़रूरी होता है, और टेस्ट सीरीज से आपका अच्छा रिविजन हो जाता है जो आपने पढ़ाई की है. तो आपको पता चल जाता है कि क्या आपका वीकनेस है, क्या आपका स्ट्रेंथ है. उसके बाद आप, या उसका नेक्स्ट बात मैं बोलना चाहूँगा कि फोकस, आपको फोकस रखना पड़ेगा यार 2 साल. क्योंकि अगर ये 2 साल अगर आप फोकस रखोगे तभी होगा. क्योंकि जो मैंने देखा है मेरे दोस्तों को बहुत, तो वो मतलब जैसे बहुत लोग ये 2 साल को भी मतलब स्पेयर नहीं कर सकते पढ़ाई के लिए. तो अगर ये 2 साल आप अगर फोकस रहोगे, पढ़ाई कर लोगे, तो कम से कम अच्छा इंस्टीट्यूट में आ जाओगे, फिर आपकी उसके बाद आपका नया लाइफ शुरू हो जाएगा. उसका नेक्स्ट है कि
जनरल नॉलेज, तो बहुत को लगता है कि एम्स क्या जनरल नॉलेज के लिए बहुत कुछ एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ता है, तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इतना कुछ ज़्यादा है। जो मैंने एग्जाम में अपेयर किया था, तब मुझे तो लगा था कि मतलब सब करंट अफेयर्स ही है, तो मैंने लास्ट में हमेशा अपना करंट अफेयर्स अपडेटेड रखता था न्यूज़पेपर देख के। 10-20 मिनट टाइम निकालो दिन में और बस वही काफ़ी हो जाता है। लास्ट के 1-2 महीने के सारे करंट अफेयर्स देख लो, तो आउट ऑफ 20 यू कैन इजिली स्कोर 15+। लास्ट है कि मतलब बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि एम्स नहीं होगा यार हमसे, या फिर बहुत मतलब बहुत लोग हैं कि मतलब सोचते हैं कि नीट से कहीं ले लेंगे या फिर अपने स्टेट में रहते कहाँ बाहर चलते हैं। पर ऐसा नहीं यार, अगर एम्स एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है तो हर स्टेट का इक्वल शेयर है, तो सबको आनी चाहिए वहाँ पे और रियलाइज मतलब पता चलना चाहिए कि ये क्या है, कैसा इंस्टीट्यूट है। और एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट में पढ़ना एक बहुत बड़ा रेस्पेक्ट और बहुत बड़ी बात होती है, तो आपको हमेशा आगे सोचना चाहिए और एक नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। আৰু লাষ্টত মই সব অসমৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এইটো ক'ম যে তোমালোকে সদায় ট্ৰাই কৰা, তোমালোকে ট্ৰাই কৰা বহুত ভালদৰে, কাৰণ আমি এতিয়া অসমৰ শ্বেয়াৰটো মই ইয়াতে আহি পিনে গম পাইছোঁ এইমছত যে বহুতে কম হয়। এতিয়া প্ৰেজেণ্টলি মোৰ বেটছত এজনো অসমৰ পৰা ষ্টুডেণ্ট নাই, প্লাছ MBBS কোৰ্চত কোনো এজন মানে কোনোটা পাঁচটা এতিয়ালৈকে পাঁচটা বেটছে পঢ়ি আছে তাতে, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, ছেকেণ্ড ইয়াৰ, থাৰ্ড ইয়াৰ, ফ'ৰ্থ ইয়াৰ এণ্ড ইণ্টাৰশ্বিপ। চ' এই গোটেই 5টা বছৰতে কোনো এইমছৰ ষ্টুডেণ্ট নাই, মানে অসমৰ ষ্টুডেণ্ট এজনো নাই এইমছত। চ' মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বহুত কম হয়, প্লাছ নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো সঁচাকৈ বহুত কম হয়। চ' আমি এইটো বঢ়াব লাগিব আৰু তাৰে কাৰণে আমি কষ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে, এটলিষ্ট তোমালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰা আৰু তাৰ পিছত মই তোমালোকক টিপছ দি দিম কেনেকৈ হেল্প কৰিব লাগে, কেনেকৈ তোমালোকে এইমছৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব পাৰা। চ' এইটোৱে ক'ব বিচাৰিম যে আমাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো বঢ়াবা আৰু এইমছত আহিছ চবে।